हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? सुबह के हो गए हैं 8 और हम आए हुए थे अपने गांव में 2-4 दिनों के लिए और आज ही हमको वापस जाना है, तो सोचा हम थोड़ा सा अपने गांव वाले घर का आपका टूर करा देते हैं। और ये यहाँ पर है मेन गेट मेरा, और मेन गेट के सामने ही इतना बड़ा ये नींबू का पेड़ है और इसमें नींबू लगे भी हुए हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी चिड़ियों के लिए रखा हुआ है और शिवलिंग भी यहीं पर रखा है। और ये यहाँ पर शीशम का पेड़ भी है, जामुन का पेड़ भी है, एक शीशम और भी यहाँ पर है। और हमने पानी की टंकी ज़मीन में ही बनवाई हुई है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी पानी की समस्या रहती है, 4-5 दिनों में आता है, इसलिए इसको ज़मीन में ही बनाया गया है। ये फुल भरी हुई है। और ये यहाँ पर है अमरूद का पेड़, और जिसमें अमरूद बहुत मीठे लगते हैं और अभी लगे हुए हैं लेकिन पके नहीं हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा और अंदर की साइड चलेंगे हम। और ये देखिए, ये अंदर का है हमारा, और एक आंगन और भी अंदर है। और यहाँ पर साइड में दिख रहे हैं बाइक के पास में करेले की बेल लगी हुई है। और ये एक रूम है, इसमें सोफ़ा वगैरह ऐसे लगते हैं। यहाँ पर देखिए कूलर वगैरह सब, अनाज की बोरी वोरी सब पड़ी हैं, और चक्की भी घर में ही है हमारे, यहाँ पे इसी पे हम आटा बनाते हैं। और चलिए हम और अपने अंदर की ओर आपको दिखाते हैं। ये सब बाहर वाला है और ये आंगन है एक अंदर वाला। यहाँ पे सब कोई बैठा हुआ है चारपाई डाल करके, दादा चाचा और उनके पापा। यहाँ पर पानी की टंकी और रखी हुई है। ये सीढ़ी है, ये हमारा बाथरूम है, गेट लगा हुआ है। यहाँ पर हम अकेले पानी पीने वाला रखा गया है। और ये है हमारा किचन, ये पूरा एक बरामदा है, और बरामदे के अंदर 2 रूम हैं सामने, और ये पूरा इतना बड़ा ये आंगन है जैसे कि आप देख रहे हैं। आंगन में सब चारपाई ऊपर सब डाले हैं, रस्सी बंधी हुई है, कपड़े भी टंगे हुए हैं। और किचन है ये दादी है हमारी इनकी, और ये हम गांव में दादी और दादा ही रहते हैं और सब कोई बाहर रहते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान जो अभी यूज में नहीं हो रहा वो रखे गए हैं। और ये है रूम जिसमें अभी सब बिखरा हुआ है, पैकिंग वैकिंग शुरू हो गई है क्योंकि आज शाम को हमारी 6 बजे ट्रेन है तो हमको निकलना है। तो इसमें मेरा सामान रखा गया है ज़्यादातर, और हमारी दादी का भी सामान रखा है इसी रूम में। ये बैग पैक हो गए हैं, सब कपड़े उपड़े डल गए हैं, और खाना अभी पैक करना बाकी है। ये कुछ एक्स्ट्रा और सामान भी रखा है। सब लोग बाहर वाले आंगन में अपने अच्छे से बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चे बैठे हैं। और यहाँ पर हो गई है हमारे रोहित की साइकिल ख़राब, और उनके चाचा से वो करा रहे हैं ठीक। और जो चाचा का लड़का छोटा वाला कार्तिक, और ये भी अपना साइकिल चला रहा है, चारपाई डली है। ये मिट्टी का चूल्हा, इस पर पानी गर्म होगा अभी सबके लिए बारी बारी से, और सब लोग नहाएंगे। गांव में गीजर नहीं लगा है तो चूल्हे पे ही मिट्टी के लकड़ी लगा करके गर्म करते हैं। और अब हम यहाँ आ गए हैं, स्टेशन पर पहुँच गए हैं। 4 बजे हम 3 बजे घर से निकले थे और अब बज गए हैं 4। 4 बजे हम रेलवे स्टेशन पर भिवानी में पहुंच गए हैं, और ट्रेन हमारी आएगी 6 बजे। सब लोग यहाँ बैठे हैं और खुशी कह रहे, क्यों दिखा रही हो मुझे? और अभी टाइम है 2 घंटे का ट्रेन के आने के लिए, तो सब वेट हो रहा है, उसमें खाना पीना भी हो रहा है, खा भी रहे हैं, और बच्चे इंतज़ार भी करें कि जल्दी से ट्रेन आए तो ट्रेन के अंदर गाड़ी में बैठा जाए। और ट्रेन का टाइम थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है, और अब देखिए हो गया है 7:30-8 का टाइम। अभी यहाँ हो रहा है खाना पीना, कि अगर बाद में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, लेट हो जाएगी, दिल्ली से गाड़ी ज़्यादा भर जाती है और भिवानी से ये बन के आगे हिसार से बन के आती है, भिवानी में इतनी भीड़ नहीं होती है, और ये दिल्ली में फुल ट्रेन भर करके तब ये चलती है। तो इसलिए सोचा भीड़ होने से पहले ही हम अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, और हम अपने वीडियो को अब यहीं पर करते हैं ख़त्म, और हम मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए रोहित भी थोड़ी थोड़ी शरारत